हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूकी के सीजन 2 के बारे में। अब अगर लूकी के बारे में बात करें ना, तो मुझे लगता है कि 2021 का वो बेस्ट शो था। बहुत सारे डिज्नी प्लस शो आए 2021 में और 2022 में बहुत सारे शो आए, लेकिन लूकी को कोई भी बीट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि एमसीयू की टाइमलाइन पे लूकी ने जो इफेक्ट डाला है ना, वो शायद डिज्नी प्लस का कोई भी शो नहीं कर पाएगा। एंड आई स्टिल से कि लूकी का जो सीजन 1 था ना, दैट वाज अ वेरी गुड सीजन। अब ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि लूकी का जो सीजन 2 है ना, वो 2023 में आने वाला है। अब उसकी शूटिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है, जो बिहाइंड द सीन्स की फोटोज है और जो वीडियोस वगैरह ना, वो हमारे सामने आ चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीजन 2 में क्या क्या हो सकता है। थोड़े से लीक से थोड़े से रूमर और है जिनको मैं कंफर्म करके बता देना चाहता हूं, और कुछ और बातें भी करेंगे लूकी की सीजन 2 के बारे में। सो गाइस, मैं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले सीजन 2 के बारे में बात करें ना, तो सीजन 2 में हमें और मल्टीपल लूकी के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब सीजन 1 जब हमने देखा था ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि लूकी के बहुत सारे मल्टीवर्स में वेरिएंट्स हैं, और मार्वल ने जो है ना, वो लूकी की शक्ल वाले, यानी कि टॉम हिडलस्टन की शक्ल वाले और उनकी जो शक्ल नहीं थी उस वाले लूकी के वेरिएंट्स को भी दिखाया था। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि लूकी के सीजन 2 के अंदर आपको लूकी के और भी ज्यादा वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। आपको याद है लूकी के ट्रेलर के अंदर एक वेरिएंट था जो कि अवेंजर 2012 वाला वेरिएंट था, और उस वेरिएंट को लूकी के सीजन 1 में हमने कहीं पे भी नहीं देखा। तो मुझे लगता है यहां पर ना, ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि सीजन 2 के अंदर ना, जो वो वेरिएंट था जो कि 2012 वाली एवेंजर्स मूवी का था ना, जो कि लूकी के हमने ट्रेलर के अंदर देखा था, वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, ये एक छोटा सा लीक और छोटा सा रूमर आया, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आप ये सोचेंगे कि 2012 वाला जो लूकी का वेरिएंट था ना, वो तो कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं थी, वो तो सिर्फ एक वेरिएंट ही था। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 के बाद ही ना, लूकी की जो एक्चुअल जर्नी है ना, वो शुरू हुई थी। तो वो जो वेरिएंट होगा ना 2012 वाली एवेंजर्स का, वो शायद इस पूरे सीजन में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें अगर विलन की, तो ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं कि इस शो का विलन जो होने वाला है, अब टोटली होने वाला है कैंग द कॉन्करर। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मन में ये आ रहा है कि क्या ये जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट होने वाला है, ये कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट वही होगा जो कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया में देखने मिलेगा? द आंसर इज यस एंड नो। पहले बात करते हैं यस क्यों मैं बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, 2023 के अंदर ये जैसे ही रिलीज हो जाएगा ना, उसके एक दो महीने के अंदर हमें एंटमैन 3 भी देखने को मिलेगी। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो हमारे लूकी का सीजन 2 का एंड होगा ना, वहीं से शुरुआत होगी क्वांटम मेनिया मूवी की, और मुझे लगता है कि वो कैंग होगा ना, जो वो इस मूवी के अंदर ट्रांजिशन करके चला जाएगा। इससे मुझे लग रहा है कि सीजन 2 के अंदर ना, लूकी का जो मेन विलन है वो कैंग का मेन वेरिएंट होने वाला है, जो कि एंटमैन 3 में हमें एज विलन देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लूकी के सीजन 2 का कैंग वेरिएंट विलन होना, वो एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया के अंदर ना हो। क्यों? क्योंकि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट है और एक हमने ऑलरेडी देख रखा था, तो हो सकता है एक और डिफरेंट वेरिएंट हमें देखने को मिले सीजन 2 के अंदर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि सीजन 2 में हमें एक डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलेगा, और एंटमैन 3 के अंदर जो कैंग होने वाला होगा ना, वो टोटली डिफरेंट होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सीजन 2 में लूकी जो है वो कैंग के उस वेरिएंट को मार देगा, और जब एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया आएगी ना, तब एक और वेरिएंट निकल कर आएगा। केविन फाइगी ने ऑलरेडी बात कंफर्म कर दी थी कि जरूरी नहीं है कि आपको 2 या 3 वेरिएंट देखने मिलेंगे, अक्रॉस 1000 डायमेंशंस 1000 जो वेरिएंट है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कैंग का कोई भी वेरिएंट हमें देखने मिल सकता है, जो कि फ्यूचर के अंदर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के अंदर काम करेगा। बात करें अगर एक लीक की ना, जो कि अभी अभी हमारे सामने आया है, आई थिंक इसको एक हफ्ता हो चुका है, मैंने अभी अपने सोर्सेज से पूछा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये रूमर, वो है लूकी के सीजन 2 में हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम देखने को मिलेगा। अब स्क्वाड्रन सुप्रीम की अगर हम बात करें ना, तो जैसे जीसे की जस्टिस लीग है ना, उसको आप ईविल बना दो तो वही है बस वो स्क्वाड्रन सुप्रीम। आपने ऑलरेडी द बॉयज तो देखा ही होगा, जहां पर ये हमें बताया जाता है कि जितने भी सुपर हीरोज हैं वो एक्चुअल में बुरे हैं। तो स्क्वाड्रन सुप्रीम के अंदर भी सेम ये सिनेरियो आप लेके चलो। जो इसके अंदर रूमर आ रहा है वो ये है कि ये सारे के सारे जो बंदे हैं ना, वो कैंग के लिए काम करेंगे, लेकिन इनका जो लीडर होगा हाइपीरियन, वो काम करेगा कैंग द कॉन्करर के लिए। और हाइपीरियन कौन प्ले करेगा? इफ इट इज ट्रू, इट्स गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट। वो होने वाले हैं हेनरी कैवल। अब ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि डीसी वाले उनको सुपरमैन का रोल वापस से नहीं दे रहे हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाय द वे, हेनरी कैवल की मैन ऑफ स्टील 2 पे और उनका फ्यूचर क्या है डीसी के अंदर, इसके पर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, यहां पर क्लिक करके उसको एक बार देख लेना। लेकिन अगर ये रूमर सच में निकलता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई, हेनरी कैवल जो है वो लूकी के सीजन 2 में हाइपीरियन आने वाले हैं, इट्स गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट। अब मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं कि हाँ, हाइपीरियन हमें देखने मिले लूकी के सीजन 2 में, और अगर हेनरी कैवल उसको प्ले करेंगे, बहुत ही बढ़िया होने वाला है वो। और काफी लोगों का सवाल ये होगा अब कि भाई, अगर हेनरी कैवल एज हाइपीरियन हमें देखने को मिलते हैं लूकी के सीजन 2 में, तो क्या हेनरी कैवल जो है मार्वल के उसी सीजन के अंदर आएंगे, फ्यूचर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि अगर एक्चुअली में स्क्वाड्रन सुप्रीम जो है ना, वो लूकी के सीजन 2 में होता है, खासकर हेनरी कैवल का हाइपीरियन, तो वो फ्यूचर के अंदर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के अंदर भी आएगा, जहां पर वो कैंग के लिए काम करेगा। तो हाँ, इविल सुपरमैन को देखने के लिए, एक्चुअल इविल सुपरमैन को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि होमलैंडर तो हमने देखा हुआ है, बट
एक्चुअल में जो सुपरमैन है पावर वाले उसको ही इविल बनाने वाले हैं, जो कि या डीसी वालों के लेने का एक और तरीका। और केविन फाइगी के दिमाग की मैं दाद देता हूं, क्योंकि डीसी वालों को वो उनके गेम पे ही बीट कर रहे हैं। एटलीस्ट इससे तो डीसी को रिलाइज होगा कि हमने गलत किया हेनरी केविल के साथ में, अगर ये रूमर सच निकलता है तो। बात करें एक दो रूमर और की ना, तो थॉर का इसमें हमें कैमियो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि थॉर 4 यानी कि लव एंड थंडर के अंदर लोकी का कहीं पर भी कैमियो नहीं था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोकी की सीजन 2 में ना हमें शायद थॉर का कैमियो देखने को मिल सकता है। एक दो रिपोर्ट्स और आई हैं जहां पर हमें पता चलता है कि जो हमारा मोबियस है ना उसको जेट स्की चलाने का मौका मिलेगा, और आपको ऑलरेडी पता है कि सीजन 1 में ना जो मोबियस था वो जेट स्की चलाना चाहता था। By the way, at your desk, that magazine. Yeah, the one on jet skis. Why do you have that? Because they're awesome. और रूमर्स की बात करें तो इस सीजन के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। मतलब फर्स्ट सीजन में उसने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें विजुअली दिखाया जाएगा कि कैंग द कॉन्करर बना कैसे। तो हाँ, उसके लिए भी तैयार रहना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।